नमस्कार दोस्तों, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिहार चैनल। चलिए इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कुछ दिन पहले मैं आप लोग को एक वीडियो बना के दिया था कि ईपीडीएस की वेबसाइट पे जो एक लिंक एक्टिवेट किया गया था उस लिंक के बारे में बताया था। ओके फ्रेंड्स, कि वहाँ से आप लोग अपना राशन कार्ड कैसे चेक करेंगे, जो कि 8 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था। वहाँ से आप लोग को मैं बोला था कि आप लोग भी अपना राशन कार्ड का नंबर वहाँ से डाल के देख लें कि आपका भी तो राशन कार्ड कहीं रद्द तो नहीं किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो उस लिंक को क्या किया गया कि 2 दिन बाद उस लिंक को डीएक्टिवेट कर दिया गया उस वेबसाइट से। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से उस लिंक को एक्टिवेट किया गया है, आप लोग फिर से वहां से जाके चेक कर लें। जो भी व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर वहां पे तो लिंक वहां पे है ही नहीं आरसी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, 2 दिन बाद उस लिंक को डीएक्टिवेट कर दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए जो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि फ्रॉड वीडियो बनाते हैं ये, वो बहुत सारे व्यक्ति जो है सो कमेंट करके, तो आज ही उस लिंक को एक्टिवेट किया गया था। आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं ईपीडीएस के वेबसाइट पे, नीचे से दूसरे स्थान, लेफ्ट साइड में नीचे से दूसरे स्थान पे मैं आगे चल के बताने वाला हूँ कि कैसे चेक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोग वहाँ राशन कार्ड का नंबर आरसी डिटेल्स पे क्लिक करके वहाँ से आप लोग राशन कार्ड का नंबर डाल के देख सकते हैं। अगर और डिटेल्स डालने के बाद आपको नीचे पूरा लिस्ट खुलेगा, जितने भी मेम्बर हैं आपके घर में राशन कार्ड में जोड़े गए हैं उन सभी का राशन कार्ड में आधार लिंक है या नहीं है, वो भी आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आप लोग को मोबाइल के स्क्रीन पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि आप लोग कैसे चेक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने गूगल ब्राउजर ओपन करके और यहाँ पे सर्च किया हूँ। मैं देख सकते हैं फ्रेंड्स epds.bihar.gov.in। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह आपको भी टैप करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके आप लोग इस पेज पे आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस पेज पे आने के बाद आपको लेफ्ट साइड थोड़ा जूम कर लेना। ओके फ्रेंड्स, और नीचे स्क्रॉल करना है। ओके फ्रेंड्स, नीचे स्क्रॉल जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे फिर नीचे से सेकेंड नंबर पर आपको लिखा हुआ मिलेगा आरसी डिटेल्स। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर देना। ओके फ्रेंड्स, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, देख सकते हैं फ्रेंड्स, रूलर और अर्बन। तो रूरल और अर्बन का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। रूरल मतलब होता है जो कि ग्रामीण क्षेत्र से भी जो बिलोंग करते हैं व्यक्ति, और रूरल क्षेत्र में ग्रामीण। तो यहाँ रूरल और अर्बन का मैं जो है सो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स दो ऑप्शन आपको दिखने के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, रूरल और अर्बन। तो रूरल मतलब होता है कि फ्रेंड्स ग्रामीण क्षेत्र से जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, और जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे अर्बन पे क्लिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे रूरल पे ही छोड़ दूंगा। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे टाइप कर दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। तो चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे क्या करना, राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे टाइप कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना आपको। ओके फ्रेंड्स, तो चले मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से इंटरफेस आएगा, सारा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। देख सकते हैं राशन कार्ड का नंबर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपका मेंबर जो भी घर के व्यक्ति हैं सभी का नाम यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ पे उनका पिता का सभी व्यक्ति का नाम मिल जाएगा, और यहाँ पे जनरल मेल मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एज दिखाएगा और यहाँ पे आधार नंबर दिखाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें आधार नंबर जो है सो आधार का लास्ट जो 4 अंक है वो भी दिखाई देगा यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे 2 व्यक्ति का जो है यहाँ पे आधार नंबर लिंक नहीं है राशन कार्ड से, तो यहाँ पे नहीं दिखाया गया। ओके फ्रेंड्स, तो आधार कार्ड लिंक करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आप लोग अपने डीलर के पास जाइएगा और वहाँ पे पॉस मशीन पे आप लोग का जो है सो आधार कार्ड को लिंक कर दिया जाएगा। आप लोग को जाना पड़ेगा लेके, ये दोनों व्यक्ति को ले जाना पड़ेगा जिनका भी नाम है यहाँ पे छूटा हुआ, आधार कार्ड लिंक नहीं है, इन दोनों व्यक्ति को ले जाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, और वहाँ पे जो है सो आधार कार्ड देना पड़ेगा आप लोग को, ये दोनों व्यक्ति का, और उसके बाद जो है सो वहाँ से आधार कार्ड इस राशन कार्ड में आप लोग को राशन कार्ड में एड कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।